हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की दो क्लासिक बाइक्स के बारे में। पहला जो है आप सामने देख रहे हैं क्लासिक 650cc मॉडल जो कि रिसेंटली स्पाई हुई थी। दूसरा मॉडल है क्लासिक 350cc बॉबर मॉडल। दोस्तों ये दोनों ही मॉडल बात करेंगे बिकॉज रिसेंटली स्पाई हुई है एंड बहुत सारी डिटेल्स पे अभी आई हुई है। पहले बात करते हैं दोस्तों क्लासिक 350cc बॉबर मॉडल के ऊपर। दोस्तों इसमें मैंने रिसेंटली एक अपडेट दिया था कि ये मॉडल जो है बुलेट 350 नेक्स्ट जन के साथ में लॉन्च होगा जो कि 30 अगस्त को था। तो दोस्तों वो अपडेट जो है रॉन्ग है, मेरे को जो सोर्स से अपडेट मिला था वो सही नहीं था। बट अभी रिसेंटली जो अभी आज जो अपडेट मिला है मुझे वो ये है कि ये 2024 का प्लान है, ये इस साल लॉन्च नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दो मॉडल जो है जो अगस्त 30 को है वो लॉन्च होने वाले हैं। अब वो दो मॉडल में से एक तो बुलेट है, दूसरा कौन सा है वो क्लियर नहीं है अभी। तो लेट्स सी, उसका वेट किया जाएगा। अभी कौन सा मॉडल कहा जा रहा है वो अपडेट जो है देखा जाएगा। बट अभी अगर हम बात करें बॉबर मॉडल के ऊपर 350cc, तो आपने ऑलरेडी इसमें जो चेंजेस हैं वो देख लिए हैं। इसमें आपको स्प्लिट सीट, जो रेयर सीट है वो फ्लोटिंग सीट मिलेगी एंड सिंगल सीट के साथ में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। और साथ ही साथ में यू हैंडल बार जो है वो देखने को मिल रहा है जो कि डीप यू है एंड इसमें सिटिंग पोस्चर भी टोटली डिफरेंट बन रहा है। वायर्ड जो है आपको स्पोक व्हील्स देखने मिल रहे हैं दोस्तों। एलईडी हेडलाइट आपको देखने मिल रहा है। एलईडी इंडिकेटर्स जो हैं आपको रिसेंटली जो इमेज जो है वीडियो जो आई है उसमें देखने मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी इसमें लॉन्च जो है 2024 का आ जा रहा है, बट अभी फुल्ली 100% अभी तक क्लियर नहीं है बिकॉज अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। जैसे कुछ और अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। प्राइसिंग जो है इसका 1.80 to 1.90 lakhs के आसपास में जो है एक शोरूम अभी कहा जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों क्लासिक 650cc मॉडल को लेके। जब से ये मॉडल स्पाई हुआ है तब से बहुत सारे लोगों को इसका लुक जो है ना क्लासिक लुक वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड दोस्तों इसमें भी सेम इंजन यूज़ होने वाला है जो कि आपको सुपर मीटियोर कॉन्टिनेंट जीटी इंटरसेप्टर मिलने वाला है। वही 47 PS का पावर और 42 Nm का टॉर्क जो है मिलेगा। एयर एंड ऑयल कूल ही इंजन है, इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं किया है। सिर्फ जो लुक है ओवरऑल वही सिर्फ जो है क्लासिक बेस्ड लुक जो है आपको देखने मिलेगा। वो सामने जो है आपको कवर्ड जो है फोक्स मिलने वाले हैं, हेडलाइट असेंबली जो है वो भी कवर्ड मिलने वाली टोटली। स्प्लिट सीट ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। टेल लाइट जो आपने देखा है वो आपको सुपर मीटियोर जैसे ही देखने मिलेगा। थोड़ी लोअर इसमें भी सिटिंग हाइट दिख रही है, इसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू मुझे जो है वो देखने मिल रहा है। बहुत ही लोअर सिटिंग हाइट जो है देखने मिल रहा है क्योंकि नी बैंड अगर आप देखेंगे राइडर का जो राइड कर रहे हैं उनके नी बैंड देख के पता चल रहा है कि ये बहुत ही लोअर सिटिंग हाइट के साथ में ये लॉन्च होने वाली है। अब आते हैं दोस्तों मेन अपडेट के ऊपर जो कि इस मॉडल पे आ रहा है। पहले इंटरसेप्टर जो है सबसे सस्ती बाइक कही जाती थी, बट अभी जो है क्लासिक 650cc मॉडल जो है सबसे सस्ती बाइक जो होने वाली है। ऑलमोस्ट 3 lakh एक्स शोरूम प्राइस जो है इसका अभी स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस कहा जा रहा है। एंड लॉन्च जो है दोस्तों वो आपको मार्च अप्रैल के आसपास 2024 में इसका देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारी टेस्टिंग वीडियोस आपको हाल फिलहाल में मिलेगी अभी क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग इस पर चल रही है चेसिस फ्रेम को लेके। बट मुझे अभी भी डाउट है इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। अगर जो भी आप इमेज देखेंगे उसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा लो मिलेगा एंड व्हील बेस जो है लॉन्ग मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी अगेन जैसा कि सुपर मीटियोर में देखने को मिल रहा था वही सेम थोड़ा सा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब होप्स हो कि थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड जो फाइनल मॉडल निकाले उसमें जो है डिफरेंस देखने को मिले। तो दोस्तों आपको कौन सा मॉडल पसंद है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बताइएगा। एंड क्लासिक 650cc या क्लासिक 650cc बॉर्डर या फिर बुलेट 350 जो नेक्स्ट जन आ रही है वो मॉडल। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को। ऐसी बहुत सारे इन्फो वीडियोज और अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे। बाय।